ये भी कट है, ये भी कट है। राधे राधे भाई, मैं अभी अभी उठ रहा हूँ, 10 मिनट हुआ, क्योंकि प्रांजल का कॉल आया था, हम लोग को जाना है सिविल हॉस्पिटल, उसको कुछ सामान वामान वहाँ पहुँचाने हैं, और हम क्योंकि हमको भी पासबुक वगैरह प्रिंट कराना था, तो हम उससे बोले थे कि कल चलना, तो वो जा रहा है, तो हमको भी फ़ोन किया कि चलो, तो हम भी पासबुक वगैरह ले लिए हैं, चलते हैं वहीं से करा लेंगे प्रिंट। और अंकित भैया गए हैं पापा के साथ लोहिया हॉस्पिटल, क्योंकि सुबह सुबह अंकित भी आ रहे थे ड्यूटी से, और 6:30 बज रहा होता है, तो अंधेरा था और कुत्ता काट लिया उनको। oh, no. बताओ कि फिर 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगवानी रहती है, तो पापा लेके गए हैं इंजेक्शन लगाने, लगवा के आएंगे, तब तक मैं होके वहाँ से आता हूँ सिविल हॉस्पिटल, उसके बाद फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना पासबुक वगैरह प्रिंट कराता हूँ। ये लोग यहाँ धूप में बैठे हैं, क्या करो भाई तुम लोग? जा रहे हैं यार। टोपी तो लगाए नहीं थे हम, और हम पहुंच चुके हैं सिविल हॉस्पिटल, वो रजिस्ट्रेशन वाली जो पर्ची होती है वो लेने गया हुआ है, लाइन में लगा हुआ है प्रांजल इस जगह, और हम पूछे तुमको हुआ क्या है जो दिखाना है, तो कह रहा है कि हमको सर्दी हो गई है तो दिखाना है, मतलब कुछ भी बताओ, ये सर्दी दिखाने आए यहाँ सिविल हॉस्पिटल, हम कहें यहीं आसपास क्लिनिक में दिखा दिए होते, लेकिन कह रहा नहीं है, क्योंकि इसके पापा यहीं पे काम करते हैं ना, यहाँ पे उनकी जान पहचान है सबसे, तो इसीलिए यहीं आता है। तो क्या मेरे को छोटा मोटा आदमी समझा रहे हैं? अभी भीड़ कम है सुबह सुबह, और इसके बाद हमको चलना है बैंक भी, आप लोग को जैसे बता रहे। खाली है हम लोग, और दवा सिर्फ लिखी है, कुछ देखी हुई कि नहीं है ये बताया, इतने टाइम से है यहाँ पे, मतलब छाले वाले, तो देखी और दवा लिख के दे दी, क्या इतने में ठीक हो जाएगा। चलो, कहाँ रह गया ये लड़का, चलो। अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ और कुछ खाया भी नहीं हूँ, पहले चलूँगा नहाऊंगा फिर कुछ खाऊंगा। ये साफ हो कर दिया यार, एकदम काट उड़ के पेड़ उस दिन, इसीलिए वो। चलो देखें, अब तक मेरा काम हो गया होता, पांडे जी होते तो, पांडे जी मेरे गांव के, मतलब मेरे पापा के दोस्त हैं, तो वो होते तो अब तक कर दिए होते अपने मशीन से, यहाँ खुद करना होता तो दिक्कत हो रही है बहुत। चलो देखते हैं भाई, आज इतने दिनों बाद आज जो वॉचमैन भैया यहाँ पर रहते हैं उन्होंने प्रिंट किया है 3 महीने का पिछला, और 3 महीने का पिछला किया तो 3 लाइन में सिर्फ आया है, और इतना कम अमाउंट दिखा रहा है, मेरा दिल ही टूट गया भाई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और KYC फॉर्म हम ले लिए हैं, चल के इसको फिल करके फिर दे देंगे, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, जाएगा तो पुराने ही वाले एड्रेस पे, फिर वहाँ से वापस आएगा, क्योंकि कोई रिसीव तो करेगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि अभी मैं चाह नहीं रहा हूँ यहाँ का एड्रेस चेंज कराना, क्योंकि बार बार एड्रेस क्या चेंज कराना, इसी वजह से मैं एड्रेस चेंज नहीं करा रहा हूँ। और ठीक है भाई, जो भी है, अब मैं पैसा डालूंगा कि यहाँ पे, फिर इसको रीप्रिंट कराऊंगा, देखूंगा क्या हाल हिसाब है इनकी। अब चलते हैं घर भाई, भूख भी लगी है बहुत तगड़ी। ये हाल है हमारे सुरेंद्रनगर गलियों के, हाल पहले नहीं थे लेकिन हाल बेहाल आज कर दिए हैं, ये देख रहे हैं। ये JCB वाले भैया कर रहे हैं, और छोड़ छाड़ के पता नहीं कहाँ चलेंगे अपने JCB। अब ये जब तक सूखेगा नहीं तब तक ये हटाएंगे नहीं, यही पड़ी रहेगी, ऐसे बदबू देता रहेगा। मैं खाना पीना खा के और अभी आया था छत पे थोड़ा टहलने के लिए, टहल वह लिया हूँ, अभी मैंने अपने अकाउंट में कुछ रुपए भेजे हैं, उसको भी चेक कर लेना है, पासबुक में फिर से प्रिंट कराएंगे और देख लेंगे पैसे जा रहा ना ऑनलाइन, क्योंकि मैं 2 बार भेजा था, शायद वो
चढ़वाए, 3 ही महीने का चढ़ा, उसके पहले वाला तो चढ़ा नहीं, तो उसमें दिखाएगा नहीं कितना भी भेजे थे, क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, टोटल अमाउंट दिखा रहा बस। तो अभी प्रिंस ने मुझे कॉल किया है कि सेक्टर 8 जाना है कुछ काम से, तो मैं पासबुक भी ले चलूँगा और वहीं से प्रिंट भी करा लूँगा, अपना चेक कर लूँगा एक बार फिर से। गाइस हम लोग को कोई काम नहीं, अरे बच्चे 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 मैं क्या है, कैसे चला रहे हो बेटे, हम लोग को कोई काम नहीं है। आदित्य वहाँ पे बैठा हुआ है सेक्टर 8 पे, वही हम लोग को बुलाया है, वही हम जा रहे हैं, और इनका भी पेपर चल रहा इसी दिन, इसीलिए इतने दिन से यहाँ सेक्टर 8 में खड़े हैं। और आदित्य भाई हम लोग को पेस्ट्री खिलाने वाले, पेस्ट्री हम लोग खाने जा रही है। क्या है ये बगल में अपने फोटोज, यहाँ पे खाएंगे हम लोग, और उसके ऊपर जस्ट फिटनेस वाला जिम है, फोटोज में खाएंगे पेस्ट्री, ऊपर जाके हम लोग जिम करेंगे। अच्छा, और ये भैया स्कूल वाली वैन चलाते थे, और भैया हमारे बाइक में एकदम बिल्कुल गैपिंग नहीं छोड़े हैं ये, पता नहीं कौन सी स्कूल की वैन है, कौन सी स्कूल की वैन है ये, जयपुरिया स्कूल की वैन, बताइए ऐसे आप लोग चलाते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है हमारे एरिया का, बहुत अच्छा स्कूल है, ड्राइवर नहीं सही काम कर रहे हैं, कभी चलो यहाँ चला गया, आइए चलते हैं हम लोग, और हम लोग खाएंगे गुजिया, काम हो गया, पासबुक भी प्रिंट हो गया, अब सब सही अपडेट हो रहा है मेरे पासबुक में। ये है हम लोग के घर से पास में लिवर अड्डे पे, ये देखिए बहुत यहाँ की टेस्टी गुजिया होती है, हम लोग नहीं तो सुरेंद्र नगर पे ही खाली होते हैं, हम लोग इनसे बोले कि यहाँ पे आके खाएंगे तो यहाँ पे खाएंगे, बहुत लजीज। कैसी? बहुत बढ़िया गुजिया होती है, एकदम जुकाम हो जाता है। वीडियो तो एक लोग ये बैठे हैं गाना गाने, वीडियो बनाते हो, सुर ताल निकालने के लिए सबका दाती तोड़वा लो, आप ना तोड़वा ही दी हो नहीं मम्मी, कुछ खाना वाना खिलाओ भाई, ये बैठी हुई हैं यहाँ फीडिंग वीडिंग कर रही हैं मोबाइल में, और मैं अपना काम कर रहा हूँ वीडियो एडिट, और ये लोग, इन लोगों को कोई काम नहीं, ये रो रही। ये देखिए सब बैट्समैन रेडी हैं, पांडे जी, अनीस और पांडे जी, वो 3 बच्चे वहाँ खड़े हैं, एक बच्चा यहाँ लेके आ रहा है ईंटा, ये वर्ल्ड कप, सब लोग वर्ल्ड कप खेलने के लिए आज रेडी। देखो ये विकेट है, ये विकेट है, इतने बड़े मैच का ये विकेट है, ईटा लग लग रख लो उसको, वैनवा चले जान दो। ये क्या हो गया? फाइनल ट्रॉफी में थार खड़ी है, हाँ वो जो जीतेगा वो थार पाएगा, ये देखिए आई वैन हटा दो, दो लाओ ये ईटा हटाओ भैया, अपनी वैन है, ये वैन है अपनी, ये वर्ल्ड कप है, देखिए ये वर्ल्ड कप है, और वो ये कप, वैन भी ट्रॉफी में, हाँ वैन भी ट्रॉफी में, जो हारेगा उसके लिए लगाओ भाई।